मगर मैं भी माँ से मेरे को नींद ही नहीं आई जब वो अच्छा। गाड़ी में बैठी मेरे को ये पता नहीं से कि उसका कोई दुश्मन आगे भी बैठा समझ गई। माँ से मेरे को रात का ही पता था कि मेरी बेटी जो है ना कुछ कोई हो गया था करके फिर उसकी लाश लई अल्लाह के हुक्म समझ के लाश लई है। कोई बात का जिक्र ही नहीं कुछ भी नहीं पता ही नहीं आया कि ये क्या होया। पास नहीं आ रही मेरी बेटी फौत हो गई है बेटी कत्ल हो गई है मेरे साथ उसने आके कोई तामन नहीं किया कोई एफआईआर नहीं कटी जी कुछ नहीं कटी जा ना है मरियम नवाज आई है। नाज़रीन मेरे साथ उस बदकिस्मत मरियम की माँ मौजूद है जो अपनी बेटी की राह तक रही थी कि मेरी बेटी आएगी और मेरे साथ ईद मनाएगी। नाज़रीन ये वो माँ है जिसका सिर्फ सहारा ही उसकी बेटी मरियम थी और माँ आज दुखों से चूर है और आज माँ मरियम को याद करके तड़प रही है रो रही है और आज मरियम नहीं इसके पास। अस्सलामु अलैकुम एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियार इस्लाम। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मरियम की वालिदा मौजूद है ये वो माँ है जिसकी बेटी को बड़ी बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद इस माँ को अपनी उस सहारा बेटी की घर में लाश देखने को मिली। आइए माँ से जानते हैं कि आखिरी वक्त क्या बात हुई थी और क्या बेटी ही घर का सहारा थी या और भी कोई घर को चलाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी क्या नाम है आपका? अमीना बेबी। कितने बच्चे हैं आपके? 10। 10 बच्चे हैं। बेटियाँ कितनी हैं? 6 बेटियाँ हैं घर वाली हैं एक कोई थी। अच्छा ये मरियम ही आपका सारे घर का निजाम चला रही थी? बस ये बच्ची से रह गई दूसरे शादीशुदा है अपने घर सबकी शादी कर दी थी जी। ठीक है मरियम क्या करती थी कोई काम करती थी पढ़ती थी क्या करती थी? नहीं वो नौकरी करती थी। अच्छा कहाँ पे नौकरी करती थी? इधर कराची में सलान में। कितनी देर से कराची गई हुई थी? वही मतलब शुरू से रह रही थी उधर कराची में। ठीक है छोटे छोटे बच्चे से चलेगी इसमें वो थे ऐसी थे इधर आए हैं गए। माँ जी आखिरी बात जब मरियम से गुफ्तगू हुई थी बातचीत हुई थी तो क्या कहा था मरियम ने? मरियम मेरे को आखिरी टाइम मिली मैं उसको बिठाया है बोल दी मैं जा रही हूँ। मैं बोला नहीं हम चले जाएंगे लड़ के ईद करके। बोल दी नहीं मैं जाना। मैं कहा चलो ठीक है तेरे भतीजियाँ भतीजे ने तो चली जैसा मैं दार आना जाना तक मतलब आना जाना होता ही होता। ठीक है मेरे को ये सी कि मेरी बेटी चली जाएगी उसके भतीजे बड़े बड़े हैं भतीजी है मेरे को कोई डर नहीं सी फिक्र नहीं सी मेरे को ये पता नहीं कि उसके मगर एक फरिश्ता भी लगा आया जैसे वो चली गई मैं मेरे साथ उसका वो ही है जो घर में उसको मैंने बिठाया है या बात की और उससे बाद मेरे आखिरी दफ़ा जो थोड़ी तो गल हुई है कोई उदो ने इस तरह का कोई महसूस करवाया हो क्या जो आखिरी टाइम है? मिली रोई है मिली है मगर मैं भी माँ से मेरे को नींद ही नहीं आई जब वो अच्छा। गाड़ी में बैठी मेरे को ऐसा लगता थी मैंने क्या आप देहात से छोड़ दिया होई होई। मैं साथ चली जाती अच्छी बात से मगर मेरे को फतवा से कि चली जाएगी मेरे को ये पता नहीं से कि उसका कोई दुश्मन आगे भी बैठा है वो बस मेरे को वो ही बात उसके साथ की मेरे को नहीं। आप उस वक्त कराची थी? हाँ मेरे ऑपरेशन से था। आपने खुद अपनी बेटी को अपने हाथों से जो के प्यार दे के भेजा है कि चली जा तेरा बाप उधर भाई हैं ठीक है भतीजियाँ भतीजे इधर से चलो चली जा मैं नहीं जाऊँगी तो कोई बात नहीं। ठीक है आ गई है मेरे को उससे बाद ना उसके साथ बात हुई है ना चीत हुई मेरे को तो सुबह पता चला कि वो बस जज्बात से मेरी बड़ी बेटी ने फ़ोन किया वो मम्मा सब चलो किरा तैयार हो चले मैं आख्या क्यों क्या बात है मैं समझ गई सी कोई बात है तो आदि मरियम इतनी बात करके फिर उस दूसरी लड़की को दे मैं समझ गई माँ से मेरे को रात का ही पता था कि मेरी बेटी जो है ना कुछ कोई हो गया था करके बेटे मेरे साथ वो बात हुई उठ हुई असी चढ़ बैठे हैं फिर मेरा ना ही रबता होया मेरे को यही बोल दे रहे कि अस्पताल है अस्पताल है। मैं तो माँ से मेरे को पता से कि झूठ मार रहे हैं मगर फिर भी सब्र करके ऐसी अपने बावलपुर तक आ गए फिर उसकी लाश लई अल्लाह के हुक्म समझ के लाश लई है। कोई बात का जिक्र ही नहीं कुछ भी नहीं पता ही नहीं आया कि ये क्या होया घर लेके आ गया अल्लाह के हुक्म करके उसको दफना दिया कुल करा दिए। ये तो तीसरे दिन एक अल्लाह के बंदे किसी ने एक वीडियो वायरल की थी फिर पता लगा फिर वो ये सोचा कि उसका मारने वाला तो वो था तो ये तो ऐसी तो सोचा कि तो अल्लाह की रजा ना मरी फिर बेटा सब दुनिया को पता चल गया हमारे घर आना जाने जैसे आप आ गए और मेरी अभी तक
कोई किसी ने मदद की, बस वजीर आला कोई मरियम नवाज कुछ मरियम नवाज कुछ नहीं कुछ नहीं। मरियम नवाज से कोई छोटा जा हादसा होता तो उन्होंने घर चल जाती है, तो मरियम नवाज न की कहना चाहती हैं असी बेटा कहने सन इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज तो कोई पक्खू मरदा उधर आ जाती और हमारी तो बेटी लिलाम हो गई, वो मेरे पास नहीं आ रही। तो मेरे को उसके साथ बहुत वो है कि मेरे पास नहीं आ रही, मेरी बेटी फौत हो गई है, बेटी कत्ल हो गई है, मेरे साथ उसने आके कोई तामन नहीं किया। ये मीडिया वाले आ रहे ने जा रहे ने, असी दिमाग खपा रहे हैं उनका भी अपना भी, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई एफआईआर नहीं कटी जी, कुछ नहीं कटी जा ना। मरियम नवाज आई है, डीएसपी आपके घर आया, वो आपको क्या दिलासे दे के बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उठे जाओ जिथे थोड़ी बेटी का कत्ल होया है वो ही करे ना, चले कम अज कम आप हमारे साथ तो चले ना उधर। नहीं वो बोला नहीं जा रहे थी, आप ही जाओगे तो ये मसला बनेगा। वो तो रात को आया जान छोड़ा, अभी फिर सुबह आया, फिर इनकी बयान बून सब कुछ लेके तस्वीरें तस्वूरें चली गई। मगर अभी ये वो माँ थी बदबख्त माँ जिसने अपनी ही बेटी को खुद प्यार देकर भेजा। ये माँ कभी भी नहीं जानती थी कि आज के बाद मैं अपनी इस चांद जैसी बेटी को कभी नहीं देख पाऊंगी। मरियम वो वाहिद सहारा थी पूरे घर का, जो अपने वालदैन का सहारा बनकर इनको इनकी परवरिश कर रही थी अपनी, जो कि माँ बाप को वो पाल पोष रही थी और साथ में अपने भतीजों को भी उनकी भी परवरिश कर रही थी। और आज मरियम इस दुनिया में नहीं और माँ बाप का यही जो कि मुतालबा है कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।